सबका आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत्पोल हाथ अपना बना, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत्पोल हाथ अपना बना, स्वर्गीय आशीष दे, यीशु मेरे दिल में आम, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ, खोलता हूँ द्वार करता इकरार, यीशु मेरे दिल में आ, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत को हाथ अपना, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत को हाथ अपना, स्वर्गीय आशीष दे, पवित्र आत्मा दे, मुझे सामर्थ्य से पवित्र आत्मा तु दे, स्वर्गीय आशीष शुदे, स्वर्गीय आशीष शुदे, स्वर्गो तू तो आत्मपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष शुदे, स्वर्गो तू तो आत्मपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष शुदे, अंगोग्र गंगर प्रभु, अंगोग्र गंगर प्रभु, जैसे भी हम तेरे, अंगोग्र गंगर प्रभु, जैसे भी हम तेरे, अंगोग्र गंगर प्रभु, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत खोल हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गोत खोल हाथ अपना बड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, बहुत बढ़िया सुंदर गीत के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। यस, आज हमें चाहिए आशीष, स्वर्गीय आशीष हमें चाहिए आले प्रभु हमारे लिए। हाँ प्रभु का हाथ बढ़ा के हमें आशीष, स्वर्गीय आशीष और अनुग्रह और चंखाई देने के लिए
हम फिर भी प्रार्थना के साथ प्रभु के चरण में हम बैठेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय आज के दिन में हम सभी को स्वर्गीय आशीष चाहिए प्रभु, हमारा प्रभु उसका हाथ बढ़ा के हम सभी को चंगाई देने के लिए आशीष, स्वर्गीय आशीष देने के लिए हम फिर भी प्रार्थना के साथ हम रहेंगे प्रभु। और प्रभु के दासी को प्रभु ने आशीष से और आगे आने वाला दिनों में भी प्रभु के नाम के लिए गीत गाने के लिए उसको प्रभु आशीष देंगे देने के लिए हम प्रार्थना करते आज आइए हम। हालेलुया। प्रभु का दास बाबू शामिल फ्रॉम बरोड़ा से हम प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हालेलुया हमें शक्ति देने, वचन हमें शक्ति करता है, वचन हमारा दिल को खोल देते हैं, हमारा हमारा जीवन में संखाई वजन के द्वारा होते है। इसलिए हाल आज के वजन के वजन का वजन से बोलने के लिए प्रभु का दास पास्टर बाबू सामुएल को बरोड़ा से हम इस लाइन में स्वागत करते हैं। प्रभु आइए प्रभु का दास आगे का 30 मिनट 30 मिनट अब वजन से बोलने के आपका हम स्वागत करते हैं। Praise the Lord. मेरा निवेदन है हम सब मिलकर हमारा हाथ को ऊंचा कर कर अपने अपना स्थान पर हमारे परमेश्वर को आदर मान सम्मान महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य परमेश्वर, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, हम आपको महिमा करते स्तुति करते आराधना करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आज का इस प्रेयर लाइन में जोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें भी परिवार के साथ परिवार के समेत सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज का इस प्रेयर लाइन लीड करने वाला प्रभु का आदरणीय दास पास्टर, मैं विश्वास करता हूँ कुरियन शरियान पास्टर अब्राहम कुरियन। अच्छा तो प्रभु का दास के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू प्रभु का कुरियन जरिया लाइन में है। थैंक यू। हेलो अद वेर एवडे ऑन ചെയ്തതാണ് മ്യൂട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് തോന്നുന്നു। ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രിയ കുരിൻചെറിയൻ പാസ്കായിട്ടും കുടുംബദാസിക്കായും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടക്കായും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹിന്ദി വേണം. ഓക്കെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവർ പ്രഭുക്കെ ദാസ് സാജൻ ബ്രദർ കെലിയെ സിസ്റ്റർ വിജി കെലിയെ മേം പരമേശ്വർക്കോ ധന്യവാദ് കർത്താഹും. उनका सेवगाई के लिए, जो समर्पण के लिए, दर्शन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके कारण हमें प्रभु का नाम बहुत ऊंचा होने के लिए परमेश्वर इनके द्वारा हमें मौका बनाया है। प्रभु उनको और इस्तेमाल करें, बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु आशीष दें, साथ साथ इनको सहयोग देने वाले, साथ देने वाले हरेक प्रभु के दासी दासों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और हमारा जीवन दूसरों का आशीष के लिए परमेश्वर ने अलग किया है, इसलिए जब भी कभी भी मौका मिलते समय हम इस मौका को इस्तेमाल करते, क्योंकि एक शब्द के द्वारा जैसे हमने सुना हालेलुया, दूसरों को आशीष और छुटकारा और चंगाई और हमें शक्ति मिलने के लिए कारण हो जाएगा, तो हम भी धन्य है, परमेश्वर भी हमारे द्वारा खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिछले महीने के बाद परमेश्वर ने कई काम करवाया है प्रभु के दासों के द्वारा, सेवगाई के द्वारा। यहाँ पर तो आप सब लोग जानते हैं, प्रार्थना में आप लगे रहते हैं, समस्या सताव बढ़ते जाते हैं, इसके बीच में भी परमेश्वर ने अपना काम तो हालेलुया करते जा रहा है। उनका काम रोकने वाला तो कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ मिलकर आपका प्रार्थना के लिए धन्यवाद भी करता हूँ, साथ साथ साक्षी भी सुनाना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो सेवक लोग सेवा करते हैं उनके बीच में दो तीन जगह में ऐसा, एक जगह में 45 लोग, एक जगह में 46 लोग, 46 लोग, एक जगह में 26 लोग, एक दूसरे जगह में 14 लोग, दूसरे जगह में 10 लोग, और एक बपतिस्मा लेने के लिए पानी में
प्रभु को साक्षी बनने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। हालेलुया। और इस साल के अंदर 200 से ज्यादा लोग हमें प्रभु को इस प्रकार गवाह ठहरा है। अभी भी काफी लोग हैं। मैं आपका प्रार्थना इसके पीछे है, इसलिए मैं आप सबों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और आपको भी इसका प्रतिफल जरूर मिलने वाला है। जो भी प्रार्थना में बने रहते हैं उनको प्रतिफल तो है मेरे प्यारों। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूं, आपका व्यक्तिगत जीवन के लिए भी हो, परिवार का जरूरत के लिए भी हो, सेवकाई के क्षेत्र में हो, प्रभु जरूर हमें आशीष देने वाला है। ये मेरी मेरी प्रार्थना और शुभकामनाएं हैं। प्रभु हमें सहायता करें। आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का उपस्थिति इस ऑनलाइन के द्वारा भी अपना अपना घर पे हम महसूस करते हैं। हमारा जीवन का आशीष का खूबिया यही है कि परमेश्वर का उपस्थिति वो दिया जाता है, आ जाता है हमारे दिल के अंदर, घर के अंदर, हमें हमारी समस्या के अंदर भी परमेश्वर अपना उपस्थिति को देता है। हालेलुया। यदि उनका उपस्थिति हमारे बीच में आ गया तो हमें हालेलुया परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में हमें अपना कार्य करते हैं और हमारा समस्या का हाल भी देते हैं और हमें आगे ले चलते हैं। इसलिए प्रार्थना में और बने रहिए। पवित्र आत्मा मेरे दिल के अंदर प्रेरणा दिया हुआ एक वचन, हम सब लोग जानने वाले वचन को आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए प्रेरितों का कृति 4:31 Acts 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रार्थना करने वाले एक झुंड को हम देखते हैं, उनका प्रार्थना विषय को हम 29 वचन से देखते हैं। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरी वचन बड़े हियाव से सुनाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी अभी जमाना ऐसा आ गया है कि हम भी इसी प्रकार प्रार्थना तो करते आ रहा है, आगे भी करेंगे। और देखिए परमेश्वर सुनिए। हालेलुया। उनका धमकियों को देख। हालेलुया। कौन सा धमकी उस जमाने में दिया था हमको पता है, 4:18 में इस प्रकार बताया, उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। बस अभी 2000 साल हो गया, अभी भी यही धमकी दे रहा है, हो रहा है। परंतु पत्रस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हालेलुया। और इस प्रकार वे लोग प्रभु का दास लोग पत्रस और यूहन्ना उनसे पूछा और बोला। मेरे प्यारो अभी भी धमकी बढ़ रहा है। शैतान पहला शताब्दी में वही था, अभी भी वही है, उसका चलाकी वही है, उसका काम वही है, वो कर रहा है ताकि क्या है, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था एक शब्द 31 वचन में भी है, 29 वचन में भी है। हालेलुया। हियाव को तोड़ने के लिए शैतान बहुत कोशिश करता है। वो शब्द आज प्रभु का दास ने भी वो शब्द बताया, शक्ति देने के लिए, वचन सुनाने के लिए शक्ति चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह का साक्षी ठहरने के लिए शक्ति चाहिए। हालेलुया। और हमें उनका प्रार्थना करने के लिए शक्ति चाहिए। बस आज मुझे और आपको हमारा बुद्धि से नहीं चलेगा सेवकाई, हमारा ताकत से नहीं चलेगा, परंतु हमारा जीवन को हिलाने लायक पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें चाहिए। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आप ही प्रार्थना में इस प्रकार अपना प्रार्थना विषय को रखिए, हमारे लिए भी, सारे प्रभु के संतों के लिए, प्रभु के दासों के लिए। हालेलुया। और अपना प्रार्थना में इस प्रकार आप कोट करते होंगे, हमें बताते होंगे, प्रभु जी उन लोगों का धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। हालेलुया। आमेन। एक अभी
इस प्रकार का वरदान का जरूरत है हमें। हालेलुया, वरदान कई प्रकार का होती है, लेकिन हमें तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाने के लिए, अभी शैतान का क्या चलाकी है, हमारे हियाब को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। जैसे हम दिन रात ऐसे व्हाट्सएप में इस प्रकार का ऑडियो हो वीडियो हो भेजते रहते हैं, ताकि सुनने वाला पढ़ने वाला देखने वाले का हियाब हमें खो जाए, नष्ट हो जाए और ये हिल जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रेरित प्रभु का दास दाऊद भी इस प्रकार का हा, हालेलुया, भजन संहिता 16 का 8 में, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसमें करते क्या है, इसलिए क्या करते है? मेरे साथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हमारा हियाव को तोड़ने के लिए, हमें डगमगाने के लिए शैतान हर प्रकार का हमें कार्य करते आ रहा है, उसका चलाकी हमें हल करते आ रहा है। लेकिन आपका प्रार्थना में हमेशा प्रार्थना कीजिए हमारे लिए और सारे प्रभु के दासों के लिए, जो शहर में हो या गांव में हो मेहनत करते आ रहा है, जैसे प्रभु का प्रिय दास हालेलुया कुरियन श्रीयान पास्टर जी के समान, बाकी जो हरेक दासों के द्वारा सेवकाई करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु जी उनको हालेलुयाह से वचन सुनाने का वरदान दे दीजिए हालेलुयाह। जो प्रभु के दास ने आज अगुवाई किया उन्होंने भी बोला चंगाई का वचन है, इधर हमने 300 वचन में पढ़ता है, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया, अभी साधारण काम से नहीं चलेगा प्यारो, क्योंकि हालेलुया एक व्यक्ति के घर पे जाके बैठकर बार बार जाकर वचन सुनाकर हालेलुया इतना समय निकालने के लिए भी नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जब पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है, एक क्षण के अंदर पत्थर जैसे दिल वाले को भी एक क्षण के अंदर खिलाकर हाँ बदल डालने वाला पवित्र आत्मा का कार्य इन दिनों में होने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हमें खिलाने के लिए कोशिश करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा खिलाए, हमें डगमगाने के लिए कोशिश करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा डगमगाए। हालेलुया, ताकि वे लोग भी प्रभु के पास आकर हालेलुया घुटना टेके और प्रभु की महिमा के लिए जीवन को समर्पण करे। इस प्रकार इन दिनों में हालेलुया हमें हालेलुया एक बहुत बड़ा कार्य हमारे बीच में प्रकट होने के लिए हमारा प्रार्थना लगातार करते रहे। प्रार्थना करने वाले एक जूंड हालेलुया ओक्लाहोमा में और इस प्रेयर लाइन के द्वारा भी प्रभु ने जोड़ा है आप सबों के लिए, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, आप बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है। हालेलुया, इसलिए अपना इस सेवकाई को आगे बढ़ाते रहिए, भले आप वहां पर बैठकर प्रार्थना करता है तो भी यहाँ पर उसका असर पड़ता है, हम यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करता तो भी हर जगह में उसका असर पड़ता है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, जैसे यीशु मसीह के जमाने में चमत्कार हुआ अद्भुत कार्य हुआ, इसी प्रकार इससे बढ़कर इन दिनों में प्रभु का कार्य हमारे बीच में हमारे देश में होने के लिए हम एक ही काम कर सकता है, प्रार्थना। हालेलुया, और इसलिए आपने वचन में बताया वो काम आपने हमें ले लिया है करते आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। 31 वचन में बताया अब वे प्रार्थना कर चुके, आमेन आमेन। प्रार्थना जैसे खत्म हो गया, आज का प्रार्थना भी खत्म होते हुए ही परमेश्वर का महान कार्य देखने के लिए अनुभव करने के लिए कार्य करने वाला पवित्र आत्मा पवित्र यीशु पवित्र परमेश्वर हमारे मध्य में है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया 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 कि आपके साथ वचन का घोषणा करने के लिए हर एक प्रभु का दास को प्रभु हिम्मत दे बल दे शक्ति दे अभिषेक दे, मेरा भी यही प्रार्थना है। आज का इस प्रार्थना जैसे वो समाप्त होते हुए ही वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। आज मेरी संदेश का खास भाग ये है कि हालेलुया हमारा प्रार्थना के पश्चात
हालेलुया, जहां जहां पर हम लोग बैठते हैं, रहते हैं, और उस गांव हो या शहर हो, उस देश हो, वहां पर प्रभु उसका नींव को खिलाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाप्ती में प्रभु के लोग एक मन और चित्त होकर प्रार्थना करते हुए उन्होंने इस प्रकार का चमत्कार देखा। मैं आपको एक हिम्मत दिलाने वाली बात याद और दिलाना चाहता हूँ कि पहला शताब्दी में कार्य किया हुआ वही पवित्र आत्मा 21वीं शताब्दी में भी हमारे मेरे और आपके साथ है। हालेलुया, हमारा कोई ज्ञान के वजह से नहीं, हमारा कोई खूबी के वजह से नहीं, वरन हमारे अंदर कार्य करने वाला हमारे शब्द के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, सेवदाई के द्वारा कार्य करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा इन दिनों में एक बहुत बड़ा हिलाने का अनुभव। हालेलुया, हिल गया इधर, देखा हमें हिलाने का अनुभव पवित्र आत्मा के द्वारा हो जाए, ताकि हमें कुछ व्यक्ति लोग हिल जाए। हमें हालेलुया कुछ हालेलुया आगेवान लोग हिल जाए, अधिकारी लोग हिल जाए। हालेलुया, कुछ घर हिल जाए, कुछ समाज हिल जाए, कुछ शहर हिल जाए, वो कुछ गांव हिल जाए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं और आप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य करता है, जिस आत्मा के द्वारा मैं और आप प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना में बैठते हैं, हालेलुया, इस आत्मा के द्वारा इन दिनों में इसी का जरूरत है कि कुछ नींव जो कभी भी ना खिलूंगा करके पत्थर के समान बैठता है, हालेलुया, उसको प्रभु पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से खिला दे, ताकि बहुत बड़ा हालेलुया कार्य चमत्कार वहां पर हो जाए। हालेलुया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया, एक एक विश्वासी का जरूरत यही है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। मैं अकेला है तो इतना काम होगा, लेकिन जितने विश्वासी लोग हमारे साथ दिया गया है, हमारे पास प्रभु ने सौंप दिया है, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, तो परमेश्वर का काम इतना ज्यादा जरूर होने वाला है। हालेलुया, इसलिए इस बातों को कुछ ना जाने, वरन इसका गौरव को समझ कर जितना विश्वासी लोग इस प्रार्थना लाइन में जुड़ा है, आज इस प्रार्थना समाप्त होने पश्चात एक एक विश्वासी के अंदर एक नयापन, एक अभिषेक आ जाए। तो यदि पुराना जमाने में आया है तो भी हालेलुया से बढ़कर एक नयापन हमारे अंदर आ जाए, एक नया सामर्थ्य आ जाए, शक्ति आ जाए, ताकि जो घर में आप रहते हैं वहां पर एक हालेलुया नया अनुभव आप हमें मिले। हालेलुया, हम भी वचन को लेकर चलने वाला बन जाए। इतना भी नहीं, इन दिनों में पत्रस के जीवन में जो चमत्कार हुआ था, इसी प्रकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी चमत्कार होने के लिए इस ऑनलाइन प्रार्थना भी एक कारण बन जाए। ये मेरी हमें हम्बल प्रेयर है, मेरा प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर पिता से। जैसे हम जानते हैं पत्रस को हालेलुया बंदी गृह में डाला गया, प्रेरितों का कृति 12 अध्याय में, वहां पर हेरोदा राजा के द्वारा ही ये काम हुआ है। एक राजा के हाथ से बचाने वाला कौन है, लेकिन समझना कि मेरे प्यारो, हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। हालेलुया, यस हालेलुया, समय पर भी प्रार्थना करने वाला एक प्रेयर लाइन था। हालेलुया, ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन जैसे दूसरा कई प्रेयर लाइन चलते हैं, वहां पर एक कलीसिया बहुत दिलचस्प के साथ, दिल से एकता के साथ हमें प्रार्थना में बैठे थे। इस कारण से हालेलुया हम देखते हैं कि हमें पत्रस के चारों वश में चार चार सिपाही लोग सारे साधनों के साथ, हथियारों के साथ उसको संभालने के लिए खड़े थे। उनके मन के इच्छा यही थे और उस राजा का इच्छा यही थी कि ये कैसे भी हो बचना नहीं, चार दिशा तो है, चार दिशा से भी दौड़कर भागना नहीं, वरन इसको यहाँ पर समाप्त करना है। लेकिन हमको पता है हालेलुया, शैतान कितना भी चलाकी करेगा तो भी हमें उसके बीच में से भी
प्रार्थना के द्वारा बचाने वाला परमेश्वर जिंदा है। पवित्र आत्मा का कार्य हम वहां पर देखते हैं। इतना 4 × 4 = 16 सिपाही, इतना नहीं, पतरस के दोनों हाथों में दो दो हालेलुया सिपाहियों के साथ जंजीर से बांध कर बेचारे को इतना हालेलुया समस्या खड़ा कर दिया जितना अभी हमारे पास शायद नहीं होगा। इतना समस्या के बीच में भी, उस हालेलुया परिस्थिति के बीच में, सताव के बीच में, तुरंत हमें जल्दी हालेलुया पवित्र परमेश्वर का दूत को भेजकर परमेश्वर ने अपना कार्य किया। इन दिनों में हम भी प्रार्थना करें, हमारे कई प्रभु के दास लोग बंदी गृह में डाला गया है, अभी कई 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 दासों को बंदी गृह में डालने का कोशिश में है, FIR करते रहते हैं। कल मैंने देखा तो वीडियो, आप भी देखा होगा, एक बहन जी ने एक प्रभु का प्रिय दास को गला पकड़ कर उसको मारते हुए, मेरा दिल तो टूट गया। उसका क्या हालत होगा? वो व्यक्ति को प्रभु क्षमा करे, क्योंकि एक प्रभु का दास को छुएगा तो प्रभु को छू लेता है। हमारा हम बढ़ाते रहे, आंसू बहाते रहे, ताकि इन दिनों में हमें यही जरूरत है कि हमारे देश का नींव खिल जाए, घर का नींव हिल जाए, जैसे पत्रस का बंदी ग्रह का नींव हिल गया। हालेलुया, बस पहला शताब्दी का कार्य आखिरी शताब्दी में भी होना जरूरी है, क्योंकि कलीसिया को उठा ले जाने का समय आ गया है। आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, पत्रस अभी आराम से सो रहा है, क्योंकि उसको पता होगा इससे बचने का कोई संभावना नहीं, अभी क्या होना है होने दो। लेकिन हालेलुया, शायद वो विश्वास के साथ भी सोते होंगे, सोया होगा, हालेलुया, लेकिन हमारा प्रभु जिंदा है, वो कैसे भी एक व्यक्ति को बचाना चाहता है तो बचा कर छुड़ाने वाला है करके आज हम विश्वास के साथ कई अनुभव बता सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, इसलिए आज मैं आपको और शायद इस प्रकार करेंगे, पर हमारा देश का नींव को खिलाना है। मैं आपको शायद एक दो बार बताया मेरा पड़ोसी के बारे में, वो हमेशा हमारे ग्रुप में से सारे जो अस्पताल के बारे में हमें हमारे सेवकाई के बारे में डालते रहते हैं, और अभी दो दिन पहले भी ऐसा डाला, दिस मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरीज आर मेकिंग अ फूल। फिर इसके बाद जो कुछ कठिनाई हुआ है सब डाल के विवरण दिया है, और अभी जो हल जो घर वापसी के बारे में दिया, सब कुछ दिया है, फिर भी मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, चाहता हूँ कि उसका अब जीवन का नींव को हिला दे, उसका घर को हिला दे। हालेलुया, इस प्रकार जहां पर हम रहते हैं वहां पर परमेश्वर का कार्य होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, मेरे प्यारो, कल रात को बहुत देरी से आए, क्योंकि एक नया परिवार में गया जो समस्या से डूबने वाला है, जो इस देश के इस जाति के लोग है। हालेलुया, और इसका इस प्रकार परमेश्वर अपना कार्य तो कर रहा है। हालेलुया, मेरे प्यारो, इसलिए मैं आपको भी हिम्मत दिलाना चाहता हूँ। हालेलुया, कि हम इस प्रकार प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा से हम पहले परिपूर्ण हो जाएंगे, और प्रभु के दासों को प्रभु क्या दे। हालेलुया, अभी पत्रस के जीवन के द्वारा जो सेवगाई पूरा करना था वो करवाने के लिए परमेश्वर ने उस हालेलुया उस आमेन बंदी गृह का नींव को हिला दिया, और उसका जंजीर हमें टूट गया, गिर गया, खत्म हो गया। हालेलुया, और प्रभु का हालेलुया उसको हालेलुया हिम्मत दिलाकर उसका कमर को बंधवा कर हालेलुया उसको बाहर लाकर कितने सारे सेवकाई को करवाया। मेरे प्यारे, इन दिनों में प्रभु के दास होंगे ये खास प्रार्थना करें। हालेलुया, वो सोना नहीं, हालेलुया जागना है, अभी जागने का समय आ गया है, प्रार्थना में बने रहने का समय आ गया है। हालेलुया, मैं पूरा पूरा विश्वास करता हूँ, मेरा जीवन से मैं जितना सेवकाई को देखा उससे भी हमें अनेक गुना सेवकाई को देखने के लिए
बाकी मेरे आगे कितना समय है करके मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मुझसे भी ज्यादा सेवकाई मेरा प्रभु मेरे द्वारा करवाने वाला है। हालेलुया, क्योंकि ये अंतिम समय पर परमेश्वर का कार्य, हालेलुया, हमें रुकना नहीं, रहना नहीं, वरन उसको आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारों, हमें इसी प्रति हम विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। एक और बात मुझे हमेशा हमें खुशी देता है, हमें याद देता है, जैसे पौलुस और सीलास का की बात हम सब लोग जानते हैं। मैं विवरण करने के लिए अभी मेरे पास समय नहीं, हालेलुया, मैं समाप्त करने से पहले ये भी बात याद दिलाऊंगा, जैसे कि कुछ समय पहले हमें पौलुस और सीलास को उस दारोगा ने किया खिलाता था उसको इतना कष्ट पहुंचाया, सताव पहुंचाया, और इसके बाद उसको बंदी गृह में डाल दिया। और वो बहुत घमंड के साथ उस दरोगा जो जेलर जो है, जेल सुप्रंड, उसने पौलुस और सीलास को खिलाया था, लेकिन वो लोग खिला नहीं। हालेलुया, वो लोग खिला नहीं। हमें आपको और मुझे खिलाने के लिए, हमारा हिम्मत हराने के लिए, हमारा शक्ति हमें खत्म करवाने के लिए शैतान कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन जैसे भजन संहिता 16:8 से हमने पढ़ा, मैं हमेशा परमेश्वर को मेरे सामने रखता हूँ, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। और प्रभु के दास लोग परमेश्वर की आराधना को, स्तुति को, प्रार्थना को आगे रखा, परमेश्वर को आगे रखा, उस बंदीगृह में सताव के बीच में आराधना करते रहा, परमेश्वर को आगे आगे रखते रहा। इसलिए वहां पर देखिए, वहां पर भी परमेश्वर, हालेलुया, नींव को हिलाया। प्रार्थना करने वाले लोग हिलेगा नहीं, लेकिन जहां पर बैठते हैं वो जल को हिलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें हिलाने के लिए कोशिश करने वाला शैतान का कार्य को खिलाने वाला परमेश्वर जिंदा है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो दारोगा इन प्रभु के दासों को हिलाया था, वो खुद हिल गया, क्योंकि सारे कार्य उसके हाथ से बाहर चला गया। वो बंदी गृह का दरवाजा खुल गया, उसने सोचा सारे हालेलुया बंदियों ने भागा होगा, लेकिन हालेलुया, और अपने आप को खत्म करने के लिए कोशिश किया। इतने में उद्धार के साथ प्रभु के दास लोगों अमर उद्धार का रास्ता दिखाने के लिए खड़ा हो गया। ये तू डरोगा, तुम्हारे खुद का कोई हानि नहीं पहुंचाना, वरन तुम हालेलुया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया, उसने खुद पूछा मैं क्या करूं, बस यही रास्ता बताया। हालेलुया, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, मेरे प्यारो, हमें हिलाने वालों को हिलाने वाला पवित्र आत्मा का कार्य हमारे बीच में। हालेलुया, रीबा शारा दीरी विखम दूरा सखन देरी विखलावा होने के लिए हम प्रार्थना करें प्यारो। हालेलुया, ओ हालेलुया, हमें जो जहां पर लोग बैठते हैं, रहते हैं, उस स्थान को हिलाकर अपने दासों को, सताने वाले लोगों का घर को हिलाकर, समस्या के द्वारा हिलाकर बचाने वाला हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया, इसके लिए हम प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, ये सारे काम पवित्र आत्मा का है करके मैं जानता हूँ, आप जानते हो, इसलिए पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा हम प्रार्थना करते रहे। मैं आज भी, हमें अभी 3 घंटा वो ज्यादा नहीं है, प्रभु के चरणों पर बैठ कर ही आया हूँ। ऐसा नहीं कि आज एक संदेश सुनाना, इसलिए प्रभु को के साथ जो बैठने का समय हमें कम करना है, नहीं, अभी बाकी भी बैठना है। हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रार्थना के साथ सब कुछ प्रभु करवाने वाला है। हालेलुया, प्रार्थना बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए हम प्रार्थना में बने रहे। परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाने के लिए इन दिनों में मुझे भी प्रभु शक्ति दे, मेरे सुनने वाले, मेरे आदरणीय दासों को, दासियों को, सारे प्रिय जनों को प्रभु शक्ति दे। एक शब्द बोलने से भी पवित्र आत्मा का कार्य हो जाता है। एक मेरा अनुभव बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं हमारे छोटा सा एक संगति यहाँ पर 2-3 साल से शुरू किया है, और वो धीमे धीमे बढ़ रहा था। कोरोना के टाइम में कोई बढ़ोतरी का उम्मीद ही नहीं था, लेकिन हमको प्रार्थना करने के लिए बहुत समय मिला था। हमारे संगति में एक परिवार था, उसमें वो भाई, उसका नाम
सावन है, सावन, उसको बहुत दारूड़िया था, 3 साल से दारू पीके पीके वो, उसका पत्नी जादी से आई है और उसको और बच्चे को इतना सता, इतना सता। हम प्रार्थना करके करके परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है, क्यों? मैं वो भी पूछा, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? मैं बोला नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। इससे इसको क्या बढ़ाया। और देखिए, दो एक महीना पहले और एक दिन में 2-3 कई बार वो घर छोड़ के गया, वे लोग उसको भगाया भी है, इधर मत आना ऐसे, क्योंकि वो नरक बना देता है। लेकिन हालेलुया, कुछ दिन पहले, एक महीना पहले एक दिन मैंने उसको देखा, दारू पी के, इतना दारू पी के घर के बाहर बैठा है। मैं जैसे विजिटिंग के लिए गया और उसने अंदर आया, मैं बोला तू अंदर मत आना, मेरे से बात भी मत करना, क्योंकि मैं उसको इतना प्यार करता लेकिन मुझे सहन नहीं कर पाता था। फिर उसने बाहर जाके ऐसी बैठा सीढ़ी पे, और उसके बाद मैं प्रार्थना करके, उसके लिए भी प्रार्थना करके वापस आया। और अगले दिन इसने क्या किया, अपने बीवी और बच्चे को पास बुलाया, सबसे क्षमा मांगा, मुझे माफ करना, मैं आगे कभी नहीं करूंगा। इतना में प्रभु उसके जीवन में कार्य करना शुरू किया, मेरे प्यारो। और बाकी काम भी प्रभु ने करवाया। एक जॉनसन नामक एक भविष्य वक्ता को अचानक हमारे पास ले गया, उसको भी लेके गया, उनका भविष्यवाणी सुनाया। आज वो भाई का क्या अनुभव है, वो भाई को इतना घृणा करने वाला उसका जो साला ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि उसका बहन को सताने के वजह से ये कई बार पुलिस स्टेशन में लेके गया, कई बार केस चढ़ाया, और इस प्रकार सब किया हुआ वो ब्रदर इन लॉ इसका परिवर्तन को देखकर आज विश्वास में आ गया परिवार के साथ। ये सब हमको लेके गया उनके हाल लिए, वो प्रभु को स्वीकार किया। उसने इतना नहीं, कल उसका ब्रदर लो के घर पे लेके गया, वो भी कल प्रभु को स्वीकार किया। अभी उनके कई घरों में हमको ले जाने वाला है। मैंने पूरा विश्वास करता हूँ कि बरोड़ा का नींव को मेरा परमेश्वर हिलाने वाला, हाल लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट होने से हमें बड़े बड़े कार्य जरूर होने वाला है। सदाव एक साइड से शैतान करते आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दूसरे साइड से करते आ रहा है। हालेलुया, अभी वो लोग मेरे साथ जोड़ कर सेवा के लिए, हमें कल उसको 10 बजे जाना था लेकिन 9:30 बजे तक हम साथ थे, हालेलुया, सेवा में। और उसके बाद हम दोनों अकेले, मैं और वाइफ दोनों दूसरे घर पे भी जाने के लिए प्रभु ने मौका दिलाया। कहने का तात्पर्य, पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो गया है और पहले से भी है, लेकिन अभी उसका से बढ़कर 10 गुना नहीं, 100 गुना, 1000 गुना बढ़कर प्रभु का कार्य होना ही जरूरी है। हालेलुया, मैंने आपको बताया नहीं बताया, यहाँ के कॉर्पोरेटर के घर पे, बीजेपी का कॉर्पोरेटर के घर पे जाके प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता किया। इसलिए हालेलुया, मेरे प्यारो, मेरा समय समाप्त हो रहा है। इस बड़े बड़े लोगों को इन दिनों में प्रभु लाए, हालेलुया, हमारा अपना कार्य पूरा करे। मेरा शब्द में समाप्त करना चाहता हूँ, हालेलुया, एक बार फिर आपको कि आप बढ़ाते हुए मैं इस प्रकार वचन अब से, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाल से सुनाए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। अब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ही आपसे सुनाते रहे। आमेन। चिन्ह और चमत्कार, हालेलुया, वचन का सामर्थ्य, वचन का सामर्थ्य के साथ घोषणा, ये सारे सेवकाई बहुत अद्भुत विधि से होने के लिए कार्य हो जाए। हम प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु का चमत्कार देखते रहे, ताकि हमारा परमेश्वर का राज्य के लिए बहुत फायदा हो जाए। शैतान का राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है प्रार्थना करने वाला, इसलिए शैतान कांपते हैं जब प्रार्थना करते समय। पवित्र आत्मा और आपको मजबूत करे। मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ। प्रभु के प्रिय दास जो अगुवाई करते हैं, आदरणीय दास जो हमें कुरियन चरियन पास्टर जी है, बाकी हमारा साजन भाई और विजी सिस्टर, बाकी मम्मी, सारे प्यारों को प्रभु आशीष दे।
प्रार्थना पूर्वक मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आपके साथ रहे, आपका समस्या को हल करे, जरूरत को पूरा करे, जो भी चंगाई का जरूरत है, शांति का जरूरत है, काम का मैं हालेलुया रास्ता का जरूरत है, मेरे यीशु मसीह के नाम से वो सब हो जाए, सब हो जाए, इतना भी नहीं, सब आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, समस्या का जगह हिल जाए, रास्ता हिल जाए और खुल जाए। यही आशीष के साथ मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ। प्रभु आपके साथ रहे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर, थैंक यू फॉर द बहुत अच्छे भजन हमें सुनाए, इसलिए आप प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु आपका और आपका परिवार को, आपको मिनिस्ट्री को प्रभु आगे बढ़ा दे। हम प्रार्थना करते